हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इशू छतवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। लगातार इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस सीरीज़ में 20 क्वेश्चन और आपके सामने हैं। इससे पहले 15 वीडियोस आपके सामने आ चुके हैं, ये हमारा 16th वीडियो है। चलिए सर, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडेक्सेशन बेनिफिट on cost of acquisition is available on the long term capital asset, however in certain cases indexation benefit is not available, in which of the following cases indexation benefit is allowed? Well, ठीक है, पहले options देख लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है सर, point है capital gain से related। capital gain में पुराने जमाने की cost को present cost में convert किया जाता है, इसी को इंडेक्सेशन बोलते हैं। इंडेक्सेशन के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करते हैं। थोड़ी बातें और करें, डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी। सर, डिबेंचर के केस में यू नो दैट डिबेंचर के केस में आपको इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ बिजनेस, तो सर जो बिजनेस की गुडविल होती है उस केस में चूंकि वो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट एक तरह से आपकी जीरो हो गई, तो जीरो कॉस्ट वाली एसेट का भी इंडेक्सेशन आप नहीं कर पाएंगे। बोनस शेयर विच इज अलॉटेड ऑन 1st अप्रैल 2010, बोनस शेयर फ्री में मिले हैं तो उनकी कॉस्ट हो गई जीरो, तो इंडेक्सेशन पॉसिबल नहीं होगा। ज्वेलरी के मामले में आप इंडेक्सेशन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने तीन बातें कही। पहली, इंडेक्सेशन बेनिफिट जनरली होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में नहीं होता है। और प्रेजेंट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा किस में होगा, तो सर ज्वेलरी के केस में। और वैसे भी आप इसे चाहें तो ऑड वन आउट से समझ लीजिए, जो अलग है वही हमारा आंसर है। ज्वेलरी के मामले में इंडेक्सेशन अलाउड है, बाकी दोनों मामलों में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पार्ट थ्री ऑफ शेड्यूल ऑफ फर्स्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 gives rate of TDS for the previous year. Well, अगर फाइनेंस एक्ट 2018 का है, ठीक है, तो ये कब आया होगा? ये लगभग फरवरी 18 में आया होगा। फरवरी 18 का मतलब है जब 17-18 अपने एंड की तरफ होगा, तो दिस एक्ट विल टेल्स यू अबाउट 18-19। दिस एक्ट विल टेल यू अबाउट 18-19। तो फाइनेंस एक्ट में जो भी नियम होगा, जो भी TDS की रेट होंगी, दैट इज़ फॉर सेशन 18-19। मैं क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं देखा, मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। जो एक्ट होता है उसके बाद वो जो अप्रैल आने वाला होता है उसके लिए वो उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, इसीलिए ईयर स्टार्ट होने से पहले ही संसद में उसे रख दिया जाता है, पार्लियामेंट में रख के उसकी ऊपर अनुमति या जो भी लेना है वो ले लिया जाता है। ठीक है, चलिए सर, ओके। इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है सर, इसका आंसर सर 18-19 इसका आंसर होगा। ठीक है सर, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम ओन्स टू मशीनरीज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। द WDV ऑफ दीज मशीन ऑन अप्रैल 20 वाज 25,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। नो अदर असेट वाज अक्वायर्ड इन दिस ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर। वन ऑफ दीज मशीन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 75। कंप्यूट द कैपिटल गेन। वेल, ये क्वेश्चन हिंदी में भी है, ये क्वेश्चन सारे डुअल लैंग्वेज में बनाए इसलिए गए हैं ताकि अपने अकॉर्डिंग, मीडियम के अकॉर्डिंग आप काम करें। फिर भी मैं हमेशा की तरह कहूँगा हिंदी स्टूडेंट्स को, भले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लें लेकिन उसकी इंग्लिश जरूर पढ़ें, क्योंकि आगे जाके आपको लॉ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं एम की। एम के पास सर दो मशीन हैं और दोनों मशीनें 15% वाले ब्लॉक के लिए एलिजिबल हैं, और सर एक मशीन की WDV है 25 और दूसरी मशीन की WDV है 60, तो दोनों की ब्लॉक WDV हुई 65। अब इन्होंने इसमें से एक मशीन को सेल किया, लेकिन एक मशीन को इन्होंने सेल कर दिया 75 में, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉक नेगेटिव हो गया। क्योंकि जिन लोगों को परफॉर्मा याद है, भले आप पहले इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ऑप्शंस ABCD करके आ जाएंगे, पर मैं वैसे ही समझा देता हूँ आपको। आप इसके अंदर एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर सबसे पहले अपना ओपनिंग WDV लिखेंगे,
ओपनिंग डब्ल्यू डी बी में आपने परचेज किया है तो उसे जोड़ेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, और सेल किया है तो सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस चूंकि 75 है तो माइनस करते ही माइनस का 10,000 हो जाएगा, तो माइनस का 10,000 को बोलते हैं ब्लॉक नेगेटिव होना। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास एक असेट बचा है लेकिन आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, बल्कि जितना माइनस फिगर आ रहा है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, उसे एसटीसीजी बोलेंगे, और एसटीसीजी के तौर पे वो टैक्सेबल होगा। आई रिपीट, सेलिंग प्राइस एक्सीड्स द डब्ल्यूडीवी, ब्लॉक विल बी नेगेटिव एंड द नेगेटिव अमाउंट विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए सर ऑप्शन देख लेंगे सारे करके, एक एक करके, और एक आध ऑप्शन आपको अच्छा भी लगेगा कि सर जैसे डी ऑप्शन अकाउंटेंसी के हिसाब से अच्छा है कि कोई प्रॉफिट नहीं है और डेप्रिसिएशन अलाउ होगा सेकंड वाली मशीन पे, ऐसा कुछ नहीं होगा, इनकम टैक्स में अलग ही दुनिया होती है सर। इसका आंसर एसटीसीजी हो जाएगा 10,000 का आपको, और दूसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, वेल ऐसी इनकम जो कमाई भी बाहर गई है और रिसीव भी बाहर हुई है तो फिर ये केवल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी। बाकी जो दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, उनके लिए इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। दिस इनकम विल बी टैक्सेबल ओनली फॉर आर एंड ओ आर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, ए आंसर होगा सर इसका। ठीक है सर, ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ आपकी तैयारी चेक करने के लिए। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के ऑप्शन सुनिए और फिर आप अपना आंसर दे दिया करें और फिर देखें कितना सही कितना गलत। फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, विच अमाउंट इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन। अब देखो जैसे सेक्शन 54 आया ना, आपको स्ट्राइक करना चाहिए, और नहीं स्ट्राइक किया तो आप काम छोड़ो, पहले सेक्शन 54 जाके पढ़ो, दैट्स इट, कि सेक्शन 54 किस बारे में है। तो वहां पे क्या होता है, आप कोई बिल्डिंग, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बेचोगे और फिर पीछे रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बेचने से जो कैपिटल गेन होगा उसको बचाने के लिए आप एक नई बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज एग्जेम्पशन 54। अब परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ओनली, ये बिल्कुल सही है। डिपॉजिट इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप टू द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ओनली, ये भी सही है। मैं बताता हूँ क्या है ये सर, थर्ड है सर, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये भी सही है। सी यानी ए और बी दोनों हो गए इसके अंदर, ए प्लस बी दोनों कवर हो गए, और डी है परचेज और कंस्ट्रक्शन आफ्टर 3 ईयर फॉर द डेट ऑफ, सर इसका आंसर सी हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग बेची और आपने उस बिल्डिंग को बेचकर सर 20 लाख रुपए कमाया, 20 लाख कमाया, आप उसके ऊपर टैक्स नहीं देना चाहते, टैक्स नहीं देना चाहते तो आपको सलाह ये देगा आपका जो टैक्स प्रैक्टिशनर होगा या आपका कोई फ्रेंड, वो ये सलाह देगा कि आप नया मकान खरीदो। सर नया मकान आपको कब खरीदना है, देखिए वैसे तो आपको खरीदने के लिए 2 साल का समय मिलेगा, लेकिन थोड़ी एक प्रैक्टिकल इशू समझो। जैसे मान लीजिए आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को, और आपकी रिटर्न फाइल करने की तारीख है 31 जुलाई 2020, ठीक है। अब या तो देखो आप क्या करो, जुलाई तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लो, जुलाई तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लो, परचेज करनी है तो परचेज कंप्लीट कर लो। पर मान लो आपको सूटेबल मकान नहीं मिला या मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करो, आप एक सेपरेट अकाउंट खोलो, बैंक में जाओ एक सेपरेट अकाउंट खोलो, उसका नाम रखा जाएगा एक तरह से कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसमें आपको पैसा जमा कराना है, लेकिन ईयर एंड होने तक पैसा जमा करा देने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न फाइल करने तक की ड्यू डेट। तो जो 31 जुलाई अपनी जनरली रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है, उस दिन तक या तो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, परचेज पूरा हो जाए, या बैंक में पैसा रखवा दो, और फिर वो जो अगले साल पे जो टाइम लिमिट है उसके अंदर आप उस पैसे को यूटिलाइज कर लेना। तो दिस इज द वे टू क्लेम एग्जेम्पशन 54। चलिए सर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कौन सी इनकम अदर सोर्स में नहीं जाएगी। सर फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन यानी जो फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलती है एम्प्लॉय के डिक्रीज होने के बाद, मरने के बाद, सर ये इनकम नो डाउट अदर सोर्स में जाती है,
दिस इनकम बिलोंग्स टू अदर सोर्स। कैजुअल इनकम, लॉटरी, हॉर्स रेस, किस्मत से जो इनकम होती है, दैट इनकम ऑल्सो गोज टू अदर सोर्स। सर, डायरेक्टर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स के बदले जो डायरेक्टर्स को पैसा मिलता है वो इनकम भी जाती है अदर सोर्स। तो डी ऑप्शन ही बच गया, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि कौन सी इनकम अदर सोर्स में नहीं जाएगी। तो रेंट रिसीव फॉर द हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वेयर रेंट इज सेपरेबल बिटवीन द रेंट फॉर HP एंड रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सर, ये जो इनकम है ये इनकम या तो HP में जाएगी या PGBP में जाएगी, और कुछ मामलों में ये इनकम अदर सोर्स में भी जा सकती है। यानी ये इनकम थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, या अग्रीमेंट इसके अंदर देखना पड़ेगा कि किस तरह का अग्रीमेंट है। अगर मैं, चलो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी है, ये इनकम क्लियर कट अदर सोर्स में नहीं जाएगी, बाकी इनकम अदर सोर्स की ही है। तो इसका तो आंसर डी हो गया। बाकी मैं आपको एक रूल सुना देता हूँ। अगर मान लीजिए बेसिकली प्लांट फर्नीचर वगैरह को किराए पर दिया जा रहा है, और साथ में बिल्डिंग को किराए पर भी देना मजबूरी है, यानी बेसिकली अग्रीमेंट इज फॉर प्लांट फर्नीचर और बिल्डिंग को साथ में दिया जाना मजबूरी है, तो ऐसे में वो इनकम या तो पीजीबीपी में जाएगी, और पीजीबीपी में नहीं गई तो अदर सोर्स में जाएगी। ऐसा नियम है, मैं नियम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सर, इट कुड बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इफ इट वर रिमेन इनसेपरेबल, दैट इज लेटिंग फॉर बोथ टाइप ऑफ असेट्स वर रिक्वायर्ड। कभी कभी जैसे सिनेमा हाउस का एग्जाम्पल दे दूँ, मान लीजिए कोई बंदा सिनेमा हाउस किराए पर लेता है तो तीनों चीज़ें एक साथ जाएंगी, प्रोजेक्टर किराए पर जाएगा, फर्नीचर भी किराए पर देना होगा, ठीक है, साथ में बिल्डिंग भी किराए पर देनी पड़ेगी, आप उसको अलग अलग कर ही नहीं सकते। तो ऐसे मामले में जो किराया कमाने वाला है या तो वो PGBP में दिखाएगा या अदर सोर्स में दिखाएगा। आप एक बात, एक जनरल प्रैक्टिकल समझ लो कि HP में कोई बंदा इनकम को दिखाना क्यों चाहता है। HP में इनकम दिखाने से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, दैट इज़ वाई बंदा स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए शायद HP के बारे में सोचता होगा। खैर, एक नियम आप और समझ लीजिए कि अगर आपने किसी बिल्डिंग को विद फैसिलिटी किराए पे दिया है, जैसे आपने AC की फैसिलिटी दी है, लिफ्ट की फैसिलिटी दी है, तो जो किराया आपको मिलेगा उसे बोलेंगे कंपोजिट रेंट। उसमें से सर जो बिल्डिंग वाला पार्ट है वो जाएगा HP में, और जो फैसिलिटीज़ वाला पार्ट है वो जाएगा अदर सोर्स में, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक दो चीज़ों का आइडिया देने की कोशिश की, होप आपके लिए यूजफुल होगा। अगला क्वेश्चन, सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू एट द प्लेस वेयर, वेतन उस स्थान पर अर्जित किया गया माना जाता है जहां पेमेंट रिसीव होता है, जहां सर्विसेज दी जाती हैं। सर, इसका आंसर बी आएगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सैलरी का जन्म उस जगह पर होता है जहां सर्विसेज दी जाती है। तो अगर मान लो मैंने बांग्लादेश जाके सर्विसेज दी है तो इनकम अक्रूड एट बांग्लादेश, देन फिर रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड एट बांग्लादेश, वो एक अलग बात है। मैंने मुंबई जाके जॉब की तो इनकम अक्रूड एट मुंबई, देन इट विड बी रिसीव्ड लाइक कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है सर। तो सैलरी में बड़ा आसान है, जहां आप सर्विसेज दोगे वहां इनकम का जन्म होगा। सर, अगला क्वेश्चन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड गिव्स द लोन ऑफ ₹5 लाख टू एक्स हु इज नॉट अ शेयर होल्डर, एक्स गिव्स द अमाउंट एज लोन टू ए हु इज द शेयर होल्डर इन ABC प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 15% शेयर, इन दिस केस अमाउंट टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ एक्स विल बी लाइक दिस एंड द हैंड्स ऑफ ए विल बी लाइक दिस। वेल, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूं समझो, एक कंपनी है, उसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का एक शेयर होल्डर होता है ए। चूंकि ए के पास 10% से ज्यादा शेयर होते हैं तो इसका कहलाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ए हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब इस कंपनी ने, मान लो इस कंपनी ने 5 लाख का लोन ए को दिया होता, मान लो इस कंपनी ने, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे क्लोजली हेल्ड कंपनी, संकुचित नियंत्रण वाली कंपनी बोलते हैं, उसने मान लो लोन दिया होता, तो इस लोन को लोन न मान के डिविडेंड मानते। ये है तो लोन की भाषा में, पर इसे डिविडेंड माना जाता अप टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। किसा समझ नहीं आ रहा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने वाले शेयर होल्डर्स को लोन देती है तो भी उसे डिविडेंड माना जाता है। इस सेक्शन का नाम है 222E। अब क्या हुआ, ये सेक्शन जब पॉपुलर हो गया, या ये चोर रास्ता जब एक तरह से सबकी नज़र में आ गया, तो ए ने क्या किया, लोन डायरेक्ट नहीं लिया,
लोन इसने वाया लिया वाया एक्स, दैट इज इस कंपनी ने चालाकी क्या करी, लोन पहले दिया एक्स को और एक्स ने वो फर्दर लोन पहुंचा दिया ए को, दैट इज डायरेक्ट डायरेक्ट लोन देता तो डीम डिविडेंड हो ही जाता। लेकिन अगर ये चालाकी करने की कोशिश करेगा भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये डीम्ड डिविडेंड ही है। ए के हाथों में जो जिसने लोन लिया एक्चुअल लोन लिया उसके हाथों में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी और लोन का पैसा अंततः जिसके पास पहुंचा उसी के हाथों में टैक्सेबिलिटी होगी। तो एक्स के हाथों में तो अमाउंट आएगा ज़ीरो और इसके हाथों में अमाउंट आएगा टैक्सेबल। टफ क्वेश्चन था, आप ऑप्शंस पढ़िएगा, इसका आंसर निल एंड 5 लाख रुपी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सर इसका। ठीक है सर, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एम्प्लॉई हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद फ्री मील वर्थ रुपीज 110 पर मील फॉर 295 डेज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, सच फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई शैल बी टैक्सेबल फॉर। वेल बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एम्प्लॉई है जॉब करता है, चूंकि मान लीजिए 9 to 5 का जॉब है, दिन भर में भूख लगती है, तो एम्प्लॉयर ने उसे लंच खिलाया, लंच का जो बिल आता है वो आता है 110 रुपये। मान लीजिए इसके लिए खाना आता है होटल से या रेस्टोरेंट से और 110 रुपये का खाना आता है सर, इसमें से 50 रुपये का एग्जेम्पशन होता है सर, 50 रुपये पर डाइट 50 रुपये पर मील एग्जेम्पशन होता है, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो 60 रुपये हर डाइट में से टैक्सेबल होगा और 295 दिन, साल में 365 दिन होते हैं लेकिन 70 दिन संडे मंडे आ गया, छुट्टी आ गई, तो 60 रुपये के हिसाब से टैक्सेबल होगा 295 डेज के लिए। आप मल्टीप्लाई करके, अच्छा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आंसर ए हो जाएगा सर। ठीक है, और एक और बात बता दूँ लंच फैसिलिटी से जुड़ा हुआ, अगर आपको ऑफिस आवर्स में चाय नाश्ता दिया जाता है, टी एंड स्नैक्स दिया जाता है, तो उस वो टैक्सेबल नहीं होता है। और एक एक्सेप्शनल रूल ये है कि अगर आपको लंच फैसिलिटी किसी रिमोट एरिया में दी जाती है, रिमोट एरिया मतलब दूर दराज का इलाका, मतलब रूरल एरिया से भी मान लो और दूर दराज के इलाके में अगर आपको लंच फैसिलिटी दी जाती है या कोई ऑफशोर इंस्टॉलेशन है, यूँ समझो समुद्र में मरीन, मान लीजिए कि कोई आपका प्रोजेक्ट है जो मरीन एरिया में चल रहा है या उसको मरीन इंजीनियरिंग बोलते हैं, वहाँ पे चल रहा है सर, तो वहाँ पे अगर आपको लंच फैसिलिटी मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट होगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आसपास का कोई रूल है तो उसे भी कवर कर लो, लपेट लो, ताकि आ जाए तो कर लें अपन। ठीक है सर, यू नेवर नो आपकी क्या आ जाएगा, क्या पूछेगा, मैंने कहा ना, हमेशा कहा है कि एक बार जब क्वेश्चन प्रिंट हो गया जाता है ना, फिर अपने आप वो इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है, साला बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन हो वो भी इंपॉर्टेंट लग जाना लगता है अगर एक बार प्रिंट हो जाता है तो कोशिश करनी चाहिए जब चीज़ें हाथ में हो तब पढ़ाई करनी चाहिए, खूब पढ़ाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट। सर ये सारे चीज़ों को अपन कंसिडर करते हैं, वी नो, पहले हम म्युनिसिपल वैल्यू देखते हैं, फेयर रेंट देखते हैं, बड़ी वैल्यू पिक करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, छोटी वैल्यू पिक करते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो चार्जेबिलिटी है सर वो है एनुअल वैल्यू, दैट इज एक्चुअल किराया भी नहीं। सब ये सारे पॉइंट्स हैं लेकिन जो टैक्सेबिलिटी का बेसिस है सर वो है एनुअल वैल्यू, तो इसका आंसर सर सिंपली ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ये कहता है, ओ सॉरी थोड़ा पीछे आ गया, जस्ट अ मिनट, हाँ सर, तो अगला क्वेश्चन ये कहता है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर टू द एक्सटेंट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज टैक्सेबल, करेक्ट, इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, करेक्ट, टू द एक्सटेंट, ऑलवेज, नॉट टैक्सेबल एट ऑल, डिडक्टेबल टू द फर्म, नॉट डिडक्टेबल टू द फर्म। सर का आंसर सिंपली सी हो जाएगा सर। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है, देखिए एक होती है पार्टनरशिप फर्म और एक होते हैं पार्टनर्स। मान लीजिए एक फर्म है जिसके जिसका नाम है मैसर्स ए एंड बी और उसके दो पार्टनर हैं, ऑब्वियसली बात है ए और बी, तो ए के लिए इनकम कितनी मानी जाएगी जितना फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ए के लिए इनकम कितनी मानी जाएगी जितना फर्म के लिए एक्सपेंस माना गया, तो अगर फर्म ने 50,000 सैलरी शो किया है तो ए के रिटर्न में 50,000 की इनकम जाएगी। कुछ बातें कर देते हैं, फर्म जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है वो ए और बी के लिए एग्जेम्प्ट होता है, फर्म जो सैलरी वहाँ से देगी उतना ए के लिए इनकम माना जाएगा। सपोज फर्म ने
लिमिट के बाहर जाकर, मान लीजिए एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर जाके 170,000 दिया मान लीजिए, और मान लीजिए कि लिमिट है 150 की, तो फर्म के लिए 150 अलाउ होगा और फिर पार्टनर्स के हाथों में भी 150 टैक्सेबल होगा। इसलिए इसका सिंपल रूल बोला जाता है, जितना पार्टनरशिप फर्म ने एक्सपेंस शो किया है उतना ही पार्टनर्स उसे अपनी इनकम शो करेंगे। एक लास्ट बार फिर बोलूँ, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दिया गया, लेकिन फर्म के लिए अलाउ कितना होगा 12%, तो पार्टनर्स की इनकम में भी कितना जुड़ेगा 12%। एज सिंपल, चलिए हो गया सिंपल, काफ़ी कुछ ज़्यादा ही बता दिया। एक सेक्शन ऐसा 40B, प्लीज़ याद कीजिएगा, सेक्शन 40B ज़रूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन तो बनता ही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन अंडर सेक्शन, वेल ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 32, धारा 32 सेक्शन 32 के तहत आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना बताया जाता है, कैसे ब्लॉक बनता है, कैसे एक जैसी असेट्स को मिलाया जाता है, परचेज जोड़ा जाता है, सेल लेस होता है, 180 डेज का रूल एंड ऑल, इस तरह से सर सेक्शन 32 है, इज ऑल अबाउट। अगला क्वेश्चन है सर, इन केस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम कैन नॉट बी साइंड बाय द कर्ता, द सेम कैन बी साइंड बाय, वेल ये रिटर्न वाले क्वेश्चन आ गए, ऑप्शन देखते हैं। द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, कर्ताज वाइफ, एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब ये क्वेश्चन सर है आसान, जिसने देखा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने पीपीटी तैयार की है तो मैंने इसको देख रखा है, अदरवाइज मुझे भी ये क्वेश्चन टफ लगता कि यार HUF, ये तो सबको याद होता है कि जो HUF की रिटर्न होगी उस पर कर्ता साइन करेगा, उसको वो वेरीफाई करेगा। मान लीजिए कर्ता नहीं है, तो कर्ता इंडिया के बाहर गया है या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कौन करेगा सर? एनी एडल्ट मेंबर, एनी एडल्ट मेंबर, इसका सर आंसर डी है। तो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, आंसर देख लेते हैं, हाँ डी है। वेल कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर आपको आते हैं तो सिंपल है, वरना तो इसी में पसीने आ जाएं अपने को। चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिटर्न मस्ट बी साइंड बाय द कर्ता और द एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ सच फैमिली इफ कर्ता इज एबसेंट फ्रॉम इंडिया और मेंटली इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम अटेंडिंग हिज अफेयर्स। ठीक है सर, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान था लेकिन। इन द केस ऑफ सेक्शन 44ADA द मिनिमम इनकम शैल बी प्री अज्यूम टू बी डैश डैश परसेंट ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। अब सर अगेन ये सेक्शन सुनते ही स्ट्राइक करना चाहिए, 44AD इज फॉर बिजनेसमैन, 44ADA इज फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स ने मैं कहूँ सर बहुत साल तक खूब ऐश किया, उन्होंने अपनी इनकम के अगेंस्ट भर भर के खर्चे दिखाए, लेकिन अब ये सेक्शन आ गया है जो कहता है कि आपकी फीस का 50% आपकी इनकम माना जाएगा। 44ADA सेज दैट जितना आपने फीस रिसीव किया है उसका 50% आपकी इनकम हो गया। तो मान लीजिए कोई इंटीरियर डेकोरेशन करने वाले सर हैं, उन्होंने शो किया कि 30 लाख रुपये उन्हें क्लाइंट से मिला, तो 15 लाख रुपये उनकी इनकम मान ली जाएगी, 50% इनकम मान ली जाएगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इतना तो कमाया नहीं है, तो उन्हें अपने अकाउंट्स की बकायदा ऑडिट करनी पड़ेगी, उन्हें बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ऑडिट करनी पड़ेगी। या फिर वो मान लें कि 15 लाख कमाया है, वो ज़्यादा इनकम मानना चाहें तो उनकी चॉइस है। 50% का सर रूल है, प्रोफेशनल्स के लिए रूल है। कुछ बातें और देख लीजिए, प्रोफेशनल मेंशनड अंडर सेक्शन 44AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो प्रोफेशनल्स को डिफाइन कहाँ किया गया है, 44AA में। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, इंटीरियर डेकोरेटर, डेकोरेशन करने वाले, टेक्निकल कंसल्टिंग देने वाले, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, लीगल, मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर साहब, आर्किटेक्चर, मूवी आर्टिस्ट इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, एडिटर, एक्टर एंड एनी अदर नोटिफाइड पर्सनल्स, ये सारे के सारे लोगों पे 44AD लगता है। ठीक है सर, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल असेट एक्सक्लूड, पूंजीगत संपत्ति में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? स्टॉक ऑफ ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर, ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं है। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, ये भी कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया भी कैपिटल असेट नहीं है। ये सारे के सारे सर क्या स्ट्राइक करना चाहिए। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन होने के लिए जरूरी है कि आपके पास कैपिटल असेट हो। मान लो मेरे पास ज्वेलरी है, मैं ज्वेलरी को सेल करूंगा तो कैपिटल गेन होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्वेलरी कैपिटल असेट है, मैंने सेल यानी ट्रांसफर किया है, इसलिए कैपिटल गेन अराइज होगा। लेकिन
कुछ चीज़ें कैपिटल असेट ही नहीं होती, जैसे जिस चीज़ की मेरी दुकान है, ठीक है, आप यूं भी लॉजिकली लगा लो, जिस चीज़ की दुकान है उसके लिए तो PGBP हेड है, तो कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट होगा नहीं। मान लीजिए मेरी डोमेस्टिक कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे घर पे फ्रिज है, AC है, कूलर है, इन चीज़ों को अगर आप सेल करेंगे सर तो भी कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल असेट नहीं है। इसी तरह से इन्होंने कहा रूरल लैंड जो होती है, रूरल एरिया में जो ज़मीन होती है वो भी कैपिटल असेट नहीं है। रूरल लैंड को आप एक बार अच्छे से इसके किलोमीटर वगैरह देख लेना, और अगर वो कैपिटल असेट नहीं है तो बस बात खत्म हो गई। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सर एडवांस फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर शेल बी। अब देखिए कई बार क्या होता है सर, अपन एग्जाम में जाते हैं एडवांस देखते हैं कि अगर एडवांस मनी फॉरफिट है, दैट इज हमने कोई सौदा किया, कोई सौदा किया मनी, तो हम उसका सामने वाले का एडवांस मनी या कहें साई जो अमाउंट होता है वो खा गए, तो वो क्या है, इनकम है, तो इनकम है, और इनकम कहाँ है, वो अदर सोर्स की इनकम है ये, ठीक है सर, एवरीबडी नोज ये अदर सोर्स की इनकम है। पहले एक ज़माने में इसे कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता था, लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है कि अगर एडवांस जो है वो प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया हो तो क्या होगा। सर हम उसका कुछ नहीं करेंगे, उसे इग्नोर किया जाएगा सर, उपेक्षित किया जाएगा। अगर हमारे से पहले वाले प्रीवियस ओनर ने कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया है फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सर ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है। कई बार क्या होता है अपन थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं वही चेप देते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ बोनस शेयर अलॉटेड शेल बी रेकंड फ्रॉम, वेल अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं तो होल्डिंग पीरियड काउंट होगा सर अलॉटमेंट डे से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5,000 शेयर्स थे, वो तो आपने खरीदे 1988 में, और आपको फिर 2,500 शेयर्स बोनस मिले, तो इसका होल्डिंग पीरियड कब से काउंट होगा, जब से ये अलॉट हुए हैं, है ना, जब से अलॉट हुए हैं। सारे ऑप्शंस पढ़िएगा और इसका आंसर सर सी हो जाएगा, ठीक है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल टू, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल टू रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट रेजिडेंट इफ रिसीव्ड इन इंडिया, सर इसका आंसर डी हो जाएगा। वैसे तो ये इनकम जो है ना सर, ये जो इनकम है ये विदेशी कंपनी से हुई है, तो इनकम अक्रूड आउटसाइड एंड अक्रूड आउटसाइड है, ये इनकम जनरेट आउटसाइड हुई है, लेकिन बी और सी में लिखा है रिसीव्ड इन इंडिया। सर अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव कर ली जाती है ना तो फिर वो टैक्सेबल होती है फॉर ऑल काइंड ऑफ पर्सन। तीन तरह के इंडिविजुअल होते हैं, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये तो हो गया एक, सेकेंड होता है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड होता है नॉन रेजिडेंट। इफ एनी इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल केसेस, तो इसका आंसर सर डी लगेगा, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, बड़ा क्वेश्चन है। मिस जया रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 80,000 फॉर हर इक्विटी शेयर होल्डिंग इन GGC लिमिटेड अ लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी, शी पेड इंटरेस्ट ऑफ 12,500 फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट, द टैक्सेबल डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस जया विल बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप ये वीडियो जब देख रहे हैं तो पहले आप देख लेना कि आप कौन से ईयर के एग्जाम के लिए जा रहे हैं। आज से समझो एक साल पहले ये रूल ये था कि डिविडेंड इनकम, तीन रूल बताता हूँ मैं सर, पहले पहले रूल ये था कि डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होती है, पहले रूल ये था डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होती है। फिर ये रूल आया कि डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है और 10 लाख के बाद जो होती है वो टैक्सेबल होती है। सर इस साल प्रीवियस ईयर 2021 से, प्रीवियस ईयर 2021 से ये रूल आ गया है कि दिस इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। द लेटेस्ट रूलिंग इज दैट जब आप प्रीवियस ईयर 2021 की बात कर रहे हैं तो, और असेसमेंट ईयर 2021-22, तो रूल ये है कि डिविडेंड की इनकम जो होती है, जिसे होती है, उस शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होगी। अगर वही कोई इंटरेस्ट पे करता है तो उसे एक्सपेंस के तौर पे अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे जया को 80,000 डिविडेंड मिला है, 12,500 इंटरेस्ट का खर्चा है, उससे लेस करके उसकी नेट इनकम 67,500 मानी जाएगी। हो सकता है आप यही क्वेश्चन कहीं और देखें और उस ऑथर ने या उस वीडियो बनाने वाले ने आंसर नहीं लिखा हो, तो उसने गलत नहीं लिखा है, शायद उसने जब वो वीडियो रिकॉर्ड किया होगा या बुक उसने पढ़ाई होगी,
वो प्रीवियस ईयर 2021 से पहले होगा, तब क्या रूल था कि 10 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, और अगर एग्जेम्प्टेड इनकम के पीछे कोई खर्चा किया जाए तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। हो सकता है मेरे पुराने किसी वीडियो में आपको ऐसा मैंने डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट का बता दिया हो, तो वो डिपेंड करता है रूलिंग्स के ऊपर, थोड़ा सा अपडेटेड रहेगा। इनकम टैक्स में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ तो जो स्टैटिक्स हैं वो तो जो चेंज नहीं होते वो तो चले आ रहे हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अमेंडमेंट होते हैं। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, नए नियम लाता है, तो आप जब भी एग्जाम जाएं आप मेक श्योर वो वाला प्रीवियस ईयर में जो अमेंडमेंट आए हों जरूर देख के जाइएगा। 3 या 4 क्वेश्चन इधर से उधर हो गए, गेम बदल जाती है सर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रन शैल बी अलाउड, करेक्ट है। 80C मिलता है उसमें अपन एजुकेशन पे, बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। ऑप्शन है एनी एजुकेशन एक्सपेंस, सेकंड है ट्यूशन फी एक्सेप्ट एनी पेमेंट टूवर्ड्स एनी डेवलपमेंट फीस और डोनेशन और पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर, ट्यूशन फीस एंड एनुअल चार्जेस, एंड द फोर्थ वन इज एनी डेवलपमेंट फीस। नहीं, इसका आंसर सर ये वाला ठीक है, ट्यूशन फीस। आप समझ लीजिए, थोड़ा क्लियर समझ लीजिए, ट्यूशन फीस का मतलब प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग नहीं है। अगर कोई माता या पिता अपने बच्चे के लिए किसी स्कूल या कॉलेज में ट्यूशन फीस के नाम से देते हैं पैसा, अब आप गौर कीजिएगा, जो अब आपको रसीद मिलती है, मान लीजिए आपने 80,000 रुपये फीस जमा कराई, आपको जो रसीद मिलेगी ना उसके अंदर कई आइटम्स होती हैं, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, एक्टिविटी फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, एनुअल चार्जेस वगैरह। ट्यूशन फीस के सामने लिखा है मान लीजिए 50,000, तो आपको 80C के पर्पज से जो डिडक्शन मिलेगा दैट इज ओनली फॉर ट्यूशन फीस, दैट इज जो पढ़ाने का शिक्षण शुल्क होता है उसी के लिए डिडक्शन मिलता है। ठीक है सर, होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सर, मिलते हैं बाद में, ओके।